abandoned. Is that? उसको निकालिए ना Thank you.
एक मिनट एक But if they want nice proper blouse also will be made. Yes, ma'am. This is a special prints, na? You have got it done? Yes, ma'am. Which you normally do it. God, my God. Yes, sir. Complicated work, huh? Yes. So nice. I've been preparing for quite some time, ma'am. Huh? Preparing for quite some time. That is why you are busy. One year of your designs. The same year replicated. Yes, ma'am. Yes, a lot can it. Yeah, what is it? Anarkali, huh? Yes, ma'am. Kalamkari. You have done such beautiful work on my Kanjivaram sarees. And then behind is cross stitch. All right. Cut work. Yes. Very difficult. In Mathura they do Sanchi art. That's also very nice. Sanchi, yes. But it is all made in a paper cutting they do, you know. I'll show you the pictures. Try to put it in a dresses fabric, it will be great. My sarees are not out because the racks have not come as yet. Your opening ho gaya is shop ka? Only puja ma'am. Only puja. Abhi 5 racks aur aane hain. Hey ma'am, PRT. Hi ma'am. Is better than the other. These are the, these are the basic ones. These are all things. Sharara pants, tunics, jackets. Simple and nice. All kalankari work, huh? No ma'am, this is applique. Ye pura ye kalankari hai na? Nahi, this is Persian carpet here. Acha, home carpets. This itself is interesting, which I have in my Radha Ras Bihari with all the bhujas. She has made such beautiful dresses for my dance ballet. So ma'am is here today because we have to discuss her dance ballet clothes. Yes. So it's not. No. Mom, they just want one of the media lights. Yeah. This is opened or not yet opened? What should it's I say? It's open. I opened for Monday closed out. Okay. In 4 months I got this working day. Wow. Wallpaper. Wallpaper? Imagine the paint. It was taking 5 months. No, the dresses when you keep also, you should not, you know, the yeah. Case in the rain. You should not. Fungus may have not given. The car, when the came to me, हाय गुड टू सी यू हेमा जी. हमने देखा कि बहुत ही ध्यान से आप ये स्टोर देख रही थी स्मिता जी का. यू लाइक टू से समथिंग कि कैसा लगा आपको ये स्टोर? एंड हमने देखा स्पेसिफिक कि बहुत सारे. हाँ, पहले तो ये जानना चाहेंगे. देखिए, पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ नीता लुल्ला जी को, जो मेरे बहुत सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को. शी इज़ बीन माई फ्रेंड ऑल्सो.
शी इज़ विद माय एंटायर फैमिली मेंबर्स, मेरी बेटी की शादियाँ जो भी हुआ सब में इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है था साथ में। और इतना ही नहीं, मेरे साथ मेरे डांस बैले में भी बहुत बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। इनके बारे में तो सब दुनिया जानती है, कितना खूबसूरत ड्रेसेस बना दिया। उनका एक फ्लैगशिप शॉप अभी खुला है बहुत बड़े पैमाने में, बहुत ही सुंदर है। शी इज़ वेरी हाईली टैलेंटेड आर्टिस्ट, वेरी क्रिएटिव पर्सन, नॉट लाइक एनी अदर्स। तो एक दूसरे को कॉपी करने वाले ने अपनी सोच के करती हैं। और इतना अच्छा जो हमारे इंडियन जो फैब्रिकेट्स है, लाइक कलमकारी वर्क है और एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फैब्रिक इन अ सारी फॉर्म और एनीथिंग, उन सबको लेके जो मॉडर्न ड्रेसेस जो भी बनाते हैं उसके साथ वो जोड़ देती हैं। जैसे अभी मैंने देखा कलमकारी वर्क इतना अच्छा अनारकली में है, इट शोज आवर इंडियन कल्चर ना, हमारा हिंदुस्तान की जो कलाएँ हैं वो पूरा उनके ड्रेसेस में डिपिक्ट होता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बीइंग एन आर्टिस्ट इंडियन ड्रेस डिज़ाइनर, सो विच नीता लुला जी इज़। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट हर फॉर ओपनिंग दिस। एंड आई एम श्योर जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे मुंबई के और बाहर भी जितने भी हैं, वो लोग आके इसे ज़रूर देखें और उनको जो चाहिए जैसा चाहिए सब कुछ मिलेगा इधर। प्लस शी विल क्रिएट ऑल्सो न्यू थिंग्स। एंड बहुत ब्यूटीफुल स्टोर है ये हमें देखने को मिल रहा है। नीता जी कुछ बताना चाहेंगे कि किस टाइप्स के हमें कलेक्शन देखने को मिलेंगे? जैसा कि जितना मेरा नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमें देखने को मिले, आप बताइए कि क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? यहाँ पर ज़्यादातर ब्रिज टू लग्जरी कपड़े रहेंगे और ब्राइडल वेयर कुत्योर और मेन्स वेयर कुत्योर और चिल्ड्रंस वेयर कुत्योर। तो इस स्टोर में जो ये मेरा फ्लैगशिप स्टोर है, यहाँ पे मैंने बहुत दिल से मतलब बनाया है और कपड़े भी जो हैं हर एक अलग अलग किस्म के, जिस हिसाब से आपको चाहिए, अगर आप वेडिंग अटेंड कर रहे हैं या वेडिंग आपकी वेडिंग है तो मेहंदी है या संगीत है या कोई भी फंक्शन हो उसके लिए हर एक किस्म की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। एंड हेमा जी हमेशा बहुत ही खुश रहती हैं, एक्साइटेड रहती हैं कि आपके कलेक्शंस को लेकर, उनका कहना है कि आपके उनके घर में कोई भी वेडिंग होती है आपके ही कलेक्शन को वो यूज़ करती हैं। एंड जब ऐसे लाइव कमेंट्स आप मिलते हैं, व्हाट वुड यू से एंड व्हाट वुड यू? एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हेमा जी एंड यू नो शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई हैव मेट। आई हैव बीन वर्किंग विथ हर फॉर अभी 15 से 20 साल हो गए सिंस आई एम वर्किंग विद मैम। बार में इन्होंने मेरा ड्रेसेस बनाया था, ऑल माय सारी सिंपल सारीज बट दे वर आउटस्टैंडिंग द वे शी क्रिएटेड दैट लुक। एंड मैम इज़ अ परफेक्ट म्यूज बिकॉज मैम आपसे डिस्कस नहीं करेंगी, आई मीन शी इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मैम आपके बाल ऐसे होने और आपकी साड़ी ऐसे पहननी है, शी विल वेयर इट। आई मीन शी इज़ अ डिलाइट टू वर्क विथ इन दैट सेंस। एंड जैसे कोई न्यू कमर कैसे पूछता है करता है, इट समटाइम्स सरप्राइजेज मी दैट सच अ बिग पर्सनैलिटी एंड इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग एंड स्टिल सो मच ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टू अंडरस्टैंड यू नो वॉट यू आर ट्राइंग टू से एंड वे यू आर कमिंग फ्राम। आई मीन इट इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर मैम दैट आई हैव बीन एबल टू वर्क विथ हर एंड आई एम वर्किंग विथ हर। I think we both have reciprocate each other's feelings. अभी इन्होंने क्या किया देखिए, मैं डांस बैलेस बहुत करती हूँ, तो मुझे राधा जी जो है कृष्ण के साथ कैसा होना चाहिए वो लुक देने के लिए कहा, तो इन्होंने इतना बढ़िया इतना ब्यूटीफुल लुक दिया है जिसे देख के कई मंदिरों में भी लोग जितने मंदिर हैं वहाँ लोग भी मांग रहे थे कि उस टाइप का मुझे ड्रेस बना के दीजिए फॉर द डेटीज। वैसे ही इन्होंने मेरा द्रौपदी बैले में जो जितना भी बैले मैं करती हूँ उनमें सब इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है कॉस्ट्यूम्स का। एंड हम मैंने देखा कि कुछ मथुरा के कलेक्शन की याद भी आपको यहाँ पे कलंकारी वर्क है विच इज़ फ्रॉम साउथ, तो सांची आर्ट जो है हमारे मथुरा के हैं, तो मथुरा के आर्टिस्ट बहुत सुंदर वो काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो कला जो है वो इनके जो फैब्रिक्स में अगर वो आए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। विच इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज दैट इज़ अ पेपर कटिंग का काम होता है, तो वैसा कैसा आप उसको अडॉप्ट करके ड्रेसेस में लेकर आएंगे उस आर्ट को,
वो बहुत ही मज़ा आएगा. दैट्स अ चैलेंज, ऑफ कोर्स शी विल डू इट. दैट इज़ अ ब्यूटीफुल चैलेंज फॉर मी मैम. वो मैं करना भी चाहूँगी क्योंकि टू रिवाइव इंडियाज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. इंडिया की जो आर्ट्स हैं बहुत सारी आर्ट्स हैं लेकिन अभी थोड़ी स्लो होते जा रही हैं और लोगों को इतना पता नहीं है. जैसे सांझी आर्ट है और जैसे बहुत अलग अलग जगहों पे अलग आर्ट्स हैं और आर्टिजैंस हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके बच्चे जो है वो देव स्टार्टेड वर्किंग इन ऑफिसेज एंड वो कला भूलते जा रहे हैं. तो इसलिए उस वजह से आई फील कि अगर ऐसे कला को रिवाइव कर सकें और उसे वापस लाएं कंटेम्प्रेरी क्लोथिंग में, या जैसे क्या होता है कभी कभार लोग बोलते हैं कि कलमकारी साड़ी है तो वो आंटी साड़ी है, तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए और उसको कैसे सामने लाया जाए और आप दिखें भी अच्छे स्मार्ट और शर्ट्स के साथ में पहनो, टी शर्ट्स के साथ में पहनो, लाइट वेट फैब्रिक्स पर पहनो, तो वो मेरी हमेशा कोशिश रही है. इन्होंने एक मेरा कांजीवरम सूट है, देयर इज जल सांची आल्सो, देन पटपीट ऐसा है, आई थिंक दैट इज फ्रॉम ओडिशा. So all those things are all very created by all those artisans. वो सब हमें साड़ियों में देखने को मिलता है. उसको मॉडर्न ड्रेसेस में कैसा कन्वर्ट करना, ये बहुत बढ़िया नीता जी करती हैं. एंड हेमा जी, जैसे कि नीता जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि जो इस तरह की जो कला है लोग भूलते जा रहे हैं, उनके बच्चे जो है ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो लोग धीरे भूल जाए. सो कुछ आप जैसे कि नीता जी इतनी बड़ी डिज़ाइनर हैं, आप इतनी बड़ी हमारी हिंदी इंडस्ट्री के एक्टर हैं, कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि जो कि लोग इस तरह से कला और सामने लाएँ, प्रेजेंट करें? बिल्कुल, सब लोग कर रहे हैं और हमारे भारत सरकार भी बहुत काम कर रही है. टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बहुत काम कर रहे हैं. तो उनसे भी मैंने अभी इस बार कहा था कि इतने आर्ट फॉर्म्स है जिस इज ऑल वी वेयर इट एज अ सारी, जो उसमें से सांची आर्ट को भी आप ऐड करो करके मथुरा के लिए प्रमोट करने के लिए मैंने कहा है. वैसे बहुत सारे करते हैं लेकिन इन सब आर्ट को जैसे अभी नीता जी ने ये सब चीज़ जो अनार के लिए ड्रेस है, सलवार कमीज है, घाघरा चोली है, इन सब में उसे दिखाएंगे उसी आर्ट को, वही इन्होंने किया है. Which she is doing it, so which the youngsters should come and see and then accept it, enjoy wearing all these things instead of wearing only Western work, you know. वो उसमें भी कला बहुत है, जो sequence work सब आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया, ये देखिए इतना. It's very difficult work which is done. इसी में उस art को भी साथ में लेकर आएंगे तो हमारी कला जो है इतने सालों से है वो और बरकरार रहेगी. Thank you. जैकेट स्टाइल और आप लोग तो ट्रैवल करते हैं ना. This is the same style. Same style. Okay, easy style, casual. But I like this work, you know. Yeah. Style I like that. What's the? You'll see that.